हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेली ग्रुप पर एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी या फिर कुछ लोगों की प्रिपरेशन एवरेज होगी। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कुछ लोगों को टाइम भी मैनेज करना पड़ रहा होगा हर एक चीज। कुछ लोग अपने घर में काम कर रहे होंगे, घर की जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत सारे काम हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी लेजीनेस दिखा रहे होंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 8-10 दिन का टाइम बचा है, प्लीज उसको यूटिलाइज कर लीजिए और कोशिश कीजिए। 8-10 दिन से भी कम टाइम बचा है और कोशिश कीजिए कि हाँ, जो टाइम बचा है कम से कम उसमें थोड़ा सा देख लिया जाए। तो अब तक आप लोग जो भी कुछ पढ़े हैं, जो कुछ भी सीखे हैं, अब आपके टाइम है कि हाँ, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखें, समझें कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आने वाले 3-4 दिन तक, अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूं। इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी कि हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझने में कितने सक्षम है और क्या आपको किस एरिया में इम्प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो है, ये 2021 में पूछा गया शिफ्ट ए का क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट का क्वेश्चन या शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि कोड ए है। ऐसे ही बहुत सारे कोड होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर शिफ्ट टू होता है। तो पॉसिबल क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे लाने की। और आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर वाकई अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर रियली आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। मैं अपने वीडियो के प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर के प्रमोशन के लिए कह रहा हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सीरियसली आप लोग पढ़ाई के थोड़े से भी सिंसियर हैं या फिर सीरियस हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जो 100 क्वेश्चंस हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी और ये समझ में आएगा कि हाँ, एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रोसेस होता है। जो लोग न्यू हैं उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 100 मार्क्स का है। स्टार्टिंग में आपके निर्देश या फिर इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, आपको क्या करना रहेगा, कैसे ओमेआर शीट पर क्वेश्चन पेपर भरना रहेगा। अगर आप लोगों को ये सब चीज पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं पढ़ने वाला हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन वन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। यानी कि भारत में ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से वो कौन से शासक थे जो पहले आए और कौन से बाद में आए, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी पहले शेरशाह सूरी आया, पहले अकबर आया, पहले अलाउद्दीन आया, कौन पहले आया, फिर कौन पहले शासन किया। तो सबसे पहले देखिए, इल्तुतमिश तो मिस किया था, उसके बाद आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी किया था। शेरशाह सूरी और अकबर में कंफ्यूजन है, तो जो भी होगा आई थिंक उस हिसाब से हो जाना चाहिए। इल्तुतमिश तो अलाउद्दीन, अकबर, शेरशाह सूरी, या फिर शेरशाह सूरी अकबर। अकबर आई गेस लास्ट में था, तो ओके, तो उस हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए वाला, यानी इल्तुतमिश आया था, फिर उसके बाद अलाउद्दीन, फिर उसके बाद आया था शेरशाह सूरी, फिर अकबर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं अपने पिछले वीडियो में, जो इसके पहले वाले वीडियो में जो बता रहा था रणनीति की, 12 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसमें ये बताया हूं कि कौन सा क्वेश्चन कब करना चाहिए। तो जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पता, आंसर पता हो, यानी कि जिस जिस भी कोई जो भी टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, चाहे वो जीके हो गया, चाहे वो भूगोल, कुछ भी हो गया, इवन इंग्लिश भी, क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना, वहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है, इंग्लिश में थोड़ा सा दिमाग लगाना भी है, बट और बाकी सब्जेक्ट में दिमाग नहीं लगाना है। लर्निंग, जिस जो आपको सिर्फ लर्निंग बेस पे हो, यानी कि सिर्फ लर्न रहे, तुरंत देखते ही क्वेश्चन कर दे, उसी टॉपिक को पहले कीजिएगा, अदरवाइज जिसमें कैलकुलेशन हो उसको लास्ट में कीजिएगा। दूसरी चीज, जिसका जिसको लग रहा है कि वो बंदा फुल कॉन्फिडेंट है, वो अपनी रणनीति या फिर अपनी स्ट्रेटेजी अपना सकता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा जो मैं बता रहा हूं, जो मैं फॉलो कर रहा हूं, वही प्लीज बुक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो तुकाराम भैया थे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी, सो ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम। ठीक है,
तो ये चीज आपको तुरंत दिमाग में पता होना चाहिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया ये तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी, इसका भी हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं, हाँ इसका भी हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है चरक संहिता संबंधित है, तो राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो ये आपका है चरक संहिता संबंधित है आपका, चिकित्सा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन पूछा है, निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि कौन सा पूछ रहा है कि जोड़ा सही नहीं है, गलत है। तो बीसी 261 कलिंग युद्ध इस दौरान हुआ था, 78 AD के दौरान सब संबंध की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद दिया गया है कि AD 622 में मुस्लिम युद्ध की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। और लास्ट में दिया है कि 1709 औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये भी, यानी कि ऑप्शन आपका, यानी इसमें ये ऑप्शन सही होगा जो कि गलत दिया। ओके, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा भैया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग लीग शुरू हुई थी? टू होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915 एंड 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो ये भैया हैं एनी बसंत एंड लोकमान्य तिलक। इज इट राइट? यस इज करेक्ट वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करना है। अब आपको बताना है कि कौन ब्रह्म समाज के थे, दयानंद थे, कि राममोहन राय थे, कि स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण किसके थे, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो आपको जब बताना है तो बता दीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। आपका ऑप्शन है ABCD। ठीक है, ABCD है तो कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए ABCD, यानी कि ए वाला कौन है? ब्रह्म समाज, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तीसरा है आर्य समाज, डी है सत्य शोधक समाज। तो अब आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पे ए वाला है क्या है? 2351 दिखा गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। बी ऑप्शन में ही दिया ABCD 4, और मिलाने वाला दिया 5, और 4 का 4 से मिलेगा, एक कोई खाली रहेगा, बट आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, सी ऑप्शन, सी यानी 3। अब आप मिला लीजिए ये बात, क्यों बोला हूं कि सी यानी 3। सबसे पहले आर्य समाज, और आर्य समाज को किसमें दिया गया है? आर्य समाज को कौन स्थापित किया था? ए वाला 3, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राममोहन राय, तो पता है। फिर उसके बाद दिया है बी का 1, तो बी का स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ओके, फिर उसके बाद क्या है? 2 का, सी का 2, आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती, तो सबको पता है। बचा आपका डी, और डी वाला है 5। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये आपको पता ही है, गांधी बाबा करो या मरो का नारा दिए थे, और करो या मरो का नारा देकर खुद मर गए। ओके, 10 क्वेश्चन, 10 का आपका, जल्दी बताइए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द सीट वॉज ऑफर टू, द ऑप्शन गोज टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जेवी कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा देंगे कि भैया वो चिनाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वसंत विषु होता है, यानी वसंत किस में चालू होता है, फिर कह लीजिए। तो आप जब भी अगर ये भी पढ़े होंगे तो कहेंगे अरे ये तो 21 मार्च को इसका डेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खदरी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो है कॉपर, यानी तांबा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको पता, 14 ओके 13 हो गया। ठीक है,
14 पे आइए, 14 क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आप पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, भैया क्या है ऑप्शन, असम, अगर ऑप्शन गलत होगा तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, नहीं गलत है, जो सही होगा बताइएगा, हो सकता है मैं आप लोगों को टेस्ट करने के लिए गलत ही बता सकता हूँ, ठीक है, देखते हैं कौन कौन अटेंटिव है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो आपको बताना है कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, आपको अभी दे दिया 1 2 3 4, आपको बताना है, पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी तीसरी हो सकती है, पहली चौथी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो आपका है ये दूसरी और तीसरी, कैसे, दूसरी आपकी गंगा है और तीसरी ब्रह्मपुत्र है, और इसे हिमालय नदी तंत्र की नदियां बोला जाता है, ठीक। 16, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, तो बिल्कुल गलत है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है, बैंकिंग संस्थाओं की लाभ दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है, सो इंग्लिश में बोलेंगे ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, साख सर्जन पर क्या असर होगा, यानी उसकी ब्रांच सर्जन पर क्या असर होगा, सॉरी कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो आपका है कि भैया वो साख सर्जन पे वो बढ़ जाएगी उसकी दर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, जो कि संसाधन उसके खुद के मतलब आवर ओन राइट्स होते हैं, ठीक है, हमारे खुद के अधिकार होते हैं, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, देखिए अब क्वेश्चन क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया, कि बिल्कुल पूंजीवादी, दैट इज कैपिटलिस्ट, जो लोग पहली बात तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूपीएससी के लिए या फिर एसएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए तो ये सब बहुत बाया हाथ का खेल होगा, क्योंकि ये सब चीज बेसिक क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, फेमा, एफ ई एम ए का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ ई एम ए, राइट, एफ ई एम ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी नहीं होता है, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन नहीं होता है, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भैया, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं, तो वो है स्टेट राज्य, ये होता ना स्टेट का राज्य, ठीक है, अगर वाली इंग्लिश मेरी गलत है, अच्छा हाँ देखिए हाँ स्टेट नीचे इंग्लिश में वाला भी है ना, स्टेट लिस्ट, ठीक है, आप यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था आपको तुरंत बता देना चाहिए, राजनीति के निदेशक तत्व, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सी सही है, हिंदी इंग्लिश दोनों सी लगा लीजिए, ठीक है। आइए 23 पे, 23 हमारा क्या पूछ रहा है, 23 का भैया, 23 देखिए यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, अनुच्छेद 21A, बिल्कुल सही, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 21A में ये मेंशन किया गया है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, तो भैया यहाँ पे निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर के मत लिख दीजिएगा कि बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल चाचा जी रखे थे, जो चाचा थे नेहरू बाबा रखे थे, ठीक है, अगर ये गलत होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, नहीं आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं, वैसे इतिहास और भूगोल में हमने 30 मार्क खा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बड़ा तो नॉलेज है। 25 क्वेश्चन में आइए, 25 क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
अल्पसंख्यकों के निहित नीड्स है, यानी कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड। तो आपका ऑप्शंस हो जाना चाहिए भैया कि आर्टिकल 29, ठीक ऑप्शन सी है आर्टिकल 29 ठोस। अब देखिए ये देखिए विज्ञान का, आई थिंक साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठोस चालक में धारा प्रवाह वाहक होते हैं, ठोस चालक में यानी करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर, सॉलिड कंडक्टर्स में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया ऑप्शन सी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है भैया, 10 से बढ़ते चले जा रहे हैं, 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, और क्या है वो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल, एक वर्ष में निर्वात के, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष का। आपको देखते ही बता देना चाहिए कि हाँ ये भैया ये आंसर सही है। देखिए ये सब चीज इतना ईजी है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा, पढ़े होंगे पहले से, तो ये सब चीज इसमें 3-5 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं ये जो क्वेश्चन पेपर था मैं पहले देखा हूं, तो पहले देखने के पहले मैं अब इसमें सही बता दूं कि एक दो क्वेश्चन उसमें मुझे छूटा है, एक दो क्वेश्चन इन द सेंस कि मुझे ये नहीं पता था कहाँ गया। जैसे देखिए बंगाल वाला नहीं पता था, बंगाल वाला बिल्कुल नहीं पता था। फिर उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन थे शायद, आई थिंक ये रहा पढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 या ऐसे कुछ था। तो जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल उस पर दिमाग मत लगाइए, उसको छोड़िए आगे बढ़िए, क्योंकि आपको उस पर नहीं दिमाग ध्यान देना, आगे बढ़ना है, वो टाइम कवर करिए किसी और क्वेश्चन में, क्या पता अगला क्वेश्चन बहुत इजी हो समझ में आ जाए। जितना टाइम बचा के कोशिश करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपका होगा, नवी क्या पता कि आप फिर से वापस आ जाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपका सब कुछ टाइम का खेल है, अगर टाइम बचा ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो आपको देखते ही बता देना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, CaSOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, लाइक द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। तो ये तो भैया पता होना चाहिए कि प्योर नहीं होता, 18 कैरेट भी प्योर नहीं होता, क्यों, क्योंकि 75% सोना उसमें होता है। अभी मैं सोचिएगा 100% बिल्कुल गलत है, आप लोग शायद पढ़े होंगे केमिस्ट्री में सब। संतरे में बहुतायत में होता है, यानी कि ऑरेंज कंटेन्स अबंडेंस अमाउंट ऑफ व्हाट, क्या हो जाएगा इसका आंसर भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। तो सबको आंख बंद करके बताना चाहिए, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और वो भैया है देखिए 5 क्वेश्चन हो गए साइंस का, 1, 2, 3, 4 हाँ 5 क्वेश्चन साइंस के हो गए। ऐसे बात पूछता मैथ वाला, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत ही लुभावनीय पार्ट, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये मैथ। तो क्वेश्चन पूछा है, अब आप लोग अगर मेरा एवरेज वाला चैप्टर पढ़े होंगे, एवरेज वाला वीडियो अगर देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल सॉल्व करवाया हूँ, ठीक है उसमें। और देखिए हमें पूछा भी है, पूछा है यहाँ पे कि क्या पूछा है भैया, हाँ क्वेश्चन मार्क अंडर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 72/36 पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना रहेगा, वैसे तो मैं सॉल्व करवाया हूं, मुझे देख ही पता चल गया इसका आंसर क्या है। और अगर एक दो बार आप भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप भी समझ में आएगा इसका आंसर ही होगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट मस्ट होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो क्या करेंगे दोनों पक्ष, पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक करती है ये नहीं सोचना है, क्या करना है कि आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, यानी जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो देखिए थोड़ा समय आपको हिंट दे देता हूं, देखिए क्या करेंगे इसका, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी मेरी राइटिंग बहुत वैसे पेन टैप में ऑर्डर कर दिया इसके लिए ताकि जो फायदा हो गया। देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे आप, फिर इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो एक चीज देखिए, तो जब इस वाले पहले पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये 72 का स्क्वायर बन जाएगा और 56 का स्क्वायर बन जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आपका कैलकुलेशन, आप जो भी कैलकुलेशन जैसे भी इजी हो, अगर आपका कैलकुलेशन इससे भी इजी कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 72 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 196, राइट, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 56 का स्क्वायर। तो फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 324। मुझे याद है, मैं देखते ही बता दिया हूं क्योंकि मुझे, मैं सॉल्व किया, ठीक है, ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें थोड़ा सा हिंट लीजिए, हिंट क्या दे रहा हूं, देखिए ये देखिए, 885 गुड़े 885 गुड़े 885 प्लस 115 गुड़े 115 गुड़े 115 बटे 885 गुड़े 885 प्लस 115 गुड़े 115 माइनस 885 गुड़े 115। ध्यान दीजिए, ये अगर मान लीजिए ए हो जाए और ये बी हो जाए, तो देखिए ए इंटू ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, यानी आपका ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस, और ये क्या हो जाएगा ऊपर बी का क्यूब, ये बन गया कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब पूरे का डिवाइड, भाई ध्यान दीजिए, ए को ए माने हैं, 885 को ए माना गया है, 115 को बी माना गया है, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ठीक है, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए वो होता है आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर है, अब क्या है, ध्यान दीजिए, आप लोग शायद ध्यान दे रहे हो, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर है, कट जाएगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे से, तो ए से कटा, सिर्फ क्या बचा, ए प्लस बी बचा ना, तो सिर्फ ए प्लस बी बचा, तो ए की जगह हम लोग 885 माने हैं और बी की जगह पे 115 माने हैं, 885 प्लस 115 कितना हो गया हमारा आंसर, 1000 हो गया, इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √5 - √3, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार प्लीज कमेंट में, जिसको जिनको नहीं समझ में आएगा, अगर वीडियो यहां तक पहुंचे हैं, सच में वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन का कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट में करके बोल दीजिएगा मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं जितना भी मैथ का पार्ट है उस क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बना दूंगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज ये जरूर लिखिएगा कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और प्लीज थोड़ा सा सिंसियर होइए, क्योंकि 2024 में एग्जाम होने वाला है, सॉरी इलेक्शन होने वाला है, अच्छा इलेक्शन होगा, और सॉरी इलेक्शन होने वाला है, और तो इसीलिए 2023 में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, और अगर आपका पेट क्वालिफाई रहेगा तो आपके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसलिए बीच बीच में डोज देते रह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। ओके, √5 - √3 / √5 + 3 किसके बराबर है, तो देखिए इस समय आपको देखते ही बता देना चाहिए कि उसका ऑप्शन बी होगा, देखते ही बता देना चाहिए किसका ऑप्शन बी होगा, कैसे, आपको पता होगा कि जब मैं रूट वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है रूट वाले में, तो रूट वाले जो वीडियो डाला हूं आप लोग जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए मुझे वो वीडियो चाहिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप जाके ढूंढ भी सकते हैं, मैं अपनी वीडियो पे डाला हूँ रूट वाले चैप्टर में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला क्या होगा, अगर जब भी ऐसा पूछेगा तो अगर मान लीजिए आप क्या कहते हैं उसमें परिमेयीकरण करते हैं इसका, यानी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जो नीचे वाला, इसको देखिए कैसे लिखेंगे एक बार बता दे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे लिखेंगे, यानी कि 5 देखिए √5 - √3 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा √5 + √3, ठीक है, और परिमेयीकरण मतलब कि क्या होगा, जो नीचे हर होता है या फिर डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए प्लस है यहाँ पे √5 + √3, साइन चेंज करेंगे तो √5 - √3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √5 - √3 डिवाइडेड बाई √5 - √3। तो अब क्या होगा, देखिए ये वाला ऊपर क्या है, ऊपर माइनस है,
तो रूट फाइव माइनस रूट थ्री, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, देखिए रूट फाइव प्लस रूट थ्री, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, आप उस पर ब्रेक करेंगे, नीचे कॉमन ओमन लेके काटे पीटेंगे, तो ये देखिए फोर रूट माइनस अंडर रूट फिफ्टीन, इसका ऑप्शन क्या है, फोर माइनस अंडर रूट फिफ्टीन, बी वाले का फोर माइनस अंडर रूट फिफ्टीन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इजी क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जा रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आप इसको नहीं आ रहा, वैसे पहली बात तो आपको देखते ही बता देना चाहिए यहां इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहली बात वो घटेगी, और कैसे घटेगी, मैं क्यों ऑप्शन लगाया, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री बढ़ गई, अब हमको पता नहीं है कि हाँ टीवी सेट का मूल्य कितना है, तो मान लेंगे कि टीवी सेट का मूल्य भैया पहले एक्स है, ठीक है एक्स है, अब 30% घटाया जा रहा है, तो एक्चुअल क्या है एक्स परसेंट है, और एक्स परसेंट में से कितना हम लोग घटा रहे हैं, 30% घटा रहे हैं, ठीक है, तो एक्स माइनस 30, अब किसका 30% किसका है, 30% एक्स का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, देखिए x में से कितना 30x/100, ठीक है, तो जब ये इधर ऊपर जाएगा तो 100x-30x तो 100/100 तो क्या हो जाएगा 70x/100, ठीक है, तो जीरो जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 7x/10, 7x/10 इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है दूसरी चीज, घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो हमें पता नहीं कि उसकी बिक्री कितनी है, तो एक काम करिए उसकी बिक्री मान लीजिए या फिर कितना टीवी बेचा जो भी कुछ भी हो, तो आप उसको वाई मान लीजिए, और 20% बढ़ रही है किसमें, बिक्री में, तो वाई में कितना 20%, तो 20y/100, तो 20 ठीक है 20y/100, 20y/100, फिर इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 120y/100, तो कुल मिला जुला करके आपका हो जाएगा ये 6y/5, कितना हो जाएगा 6y/5, ध्यान आप लोग दीजिएगा तभी समझ आएगा, भैया नहीं बिल्कुल नहीं समझ आने वाला, ठीक है, तो देखिए आपका एक आ गया 6y/5 और ये आ गया 7x/10, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको ये देखिए नई, ये क्या है बिक्री है, मतलब एक टीवी है, तो क्या करेंगे आप इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 7 = 42y, 6 × 7 = 42y² और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी बाई स्क्वायर नहीं 42xy, 6 × 7 = 42xy, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स है, 6 × 7 = 42xy डिवाइड बाई 10 × 5 = 50, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 21/25xy, 21/25xy, तो मैं आ रहा नहीं आ रहा, तो जब 21/25xy होगा जो कि आपको पता है कि ऊपर 21 है, ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या है 21 है नीचे 25 है, तो वैल्यू कम है, वैल्यू इसकी क्या आ रही है कम आ रही है, यानी कि यहाँ पे घट रहा है। अब पूछा गया है कि यहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो 16% घटी, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना रहेगा आपको, 1% कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या कर देना है एक्स वाई, जो एक्स वाई है यानी कि जो आप माने हैं एक्स वाई में से, एक्स वाई में से आपको क्या करना है 21xy/25 कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 25xy, क्या हो जाएगा आपका 25xy माइनस
21xy ठीक है डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 25 में से 21 निकला कितना 4, एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना 25, ठीक डिवाइड बाई 25। और क्या बचा रहेगा, और भी कुछ बचा है, और वो कितना था लॉस परसेंटेज था, तो इधर आपका रहा होगा एक्स वाई, ठीक। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4xy डिवाइड बाई 25 बाई एक्स वाई, 4xy डिवाइड बाई 25 बाई एक्स वाई, तो इधर बराबर, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और इंटू 100, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और ये सबसे नीचे ये जाएगा इस वाले चार में मल्टीप्लाई होगा, ये इस वाले चार मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, एक्चुअली मैं बता रहा हूं था ये क्वेश्चन पेपर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा था, इस सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूं, अभी भी बस क्वेश्चन आया इसलिए सॉल्व करवा दिया यहाँ पे, अभी भी बहुत लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा, वैसे भी मैक्सिमम नहीं समझ आएगा जो लोग नहीं पढ़े होंगे, जो लोग अगर थोड़ा सा भी देखे होंगे तो समझ में आया होगा, तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है एक बार प्लीज कमेंट में कर दें कि हाँ इस पे एक वीडियो बना दें सॉल्व करके क्वेश्चन को, मैं प्लीज बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं नहीं कंफर्म कर पा रहा हूँ कितने लोगों को आ रहा है कितने लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए प्लीज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर इसलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को सॉल्व करवाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या था भैया, इसका आंसर ऑप्शन डी था, 16% घटी, जो भी 16% हम लोग निकाले। क्वेश्चन नंबर 35, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र में भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं चाहूं तो अभी सॉल्व करवा दूं, पर सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम चली जाएगी, बट हिंट मैं अगर दे सकता हूं तो बिल्कुल हिंट यही दे सकता हूं कि हाँ इसका आंसर तो होगा क्या कहते हैं 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र 18.5 होगा, सॉरी 4 होगा, प्लस 20% इसमें होगा, तो इसका 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 37, अच्छा इसका आंसर 37 है। करना क्या है आपको, देखिए मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया है मैं अपने क्या कहते हैं एवरेज टाइम एवरेज टॉपिक पढ़ाते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूँ, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। देखिए चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र 20 में शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, मान लेंगे हम लोग कोच की उम्र एक्स है, ठीक है, तो कोच की उम्र हम लोग एक्स मानेंगे, और बोर्ड लाया है कि 20% उम्र बढ़ जाती है, तो 20% यानी पहले मान लीजिए कि एक्चुअल में 100 थी, अब 20% बढ़ जाना तो 120 हो जाएगी, तो उसका 120 निकालेंगे, ठीक है, उस हिसाब से फिर नई परसेंटेज हम लोग नई एज निकालेंगे, नई एवरेज एज, तो नई एवरेज एज निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 18.5 का गुणा किसमें करेंगे, 18.5 का गुणा मल्टीप्लाई, देखिए ये 18.5 है किसका, चार खिलाड़ियों की है, और 120% निकालने के बाद हम लोग क्या है जो कोच है उसके साथ नई एवरेज एज निकालेंगे, इसकी 18.5 है इसमें मल्टीप्लाई होगा 4, जो नया एवरेज एज निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा 5, उसके बाद क्या करेंगे जो मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, मान ली उसका आंसर कुछ यहां पे आएगा, उसमें से 18.5 वाला जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही क्या होगा, वही ये कोच की उम्र होगी। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा हिंट जो दिया हूं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में जाइए एवरेज वाले में, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 37 आंसर भी था उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए खत्म हो गया यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए हम पता नहीं कितना टाइम आप लोग ले लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट देखिए एकल का विलोम है, उपयुक्त नहीं होगा, पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं होता है, अकेला बिल्कुल नहीं होता है, बचा हमारा सिर्फ क्या भैया, बहुल बच गया, तो इसका ऑप्शन नहीं है 36। चलिए 37 पे आइए, दर्प सबसे पहली चीज होता है, दर्प मीन्स क्या होता है, दर्पण होता है, आप लोग दिमाग में आएगा, यानी कि शीशा होता है, दर्प मीन्स देखिए ये तुलसीदास जी चौपाई में लिखे, पता नहीं कौन सी चौपाई, दिमाग में नहीं आ रहा है,
बट दर्प मीन्स होता है दोस्तों घमंड, अहंकार, ठीक है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मर्मांतक तो होगा नहीं, मर्म अंत तक, मदमयी बिल्कुल नहीं है, मदमस्त बिल्कुल नहीं है, मन हर, मन को हर ले, मनोहर, यानी शब्द विच्छेद कीजिए, पता आएगा। गागर में सागर भरना, गागर मतलब बहुत छोटी चीज होती है, सागर यानी बहुत बड़ा चीज होता है। गागर में सागर भरना यानी छोटी चीज में, छोटे से एक्सप्लेनेशन में, अभी छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह देना, यानी दोहों की रचना करना बिल्कुल गलत, थोड़ों में बहुत कहना यही आंसर सही है, बहुत बोलना गलत, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी और डी और ए गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, यह आप बिल्कुल गलत है, महत्वाकांक्षा ये भी गलत है, महत्वाकांक्षा बिल्कुल सही, महत्वाकांक्षा ये गलत है, यानी आपका क्या है? महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी, 40 का ऑप्शन सी है। 41 पे आइए, देखिए 41 ये है, यहां से स्टार्ट होता है आपको एक, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ये चीज दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? आपको क्या करना है, ये अनसीन पैसेज है, आप लोग पता नहीं होगा कहाँ से पैसेज आएगा। मैं वीडियो में बताया हूं, जब पहले वीडियो में पढ़ा रहा था, वायरल वीडियो नहीं, वीडियो मैं जो वीडियो बताया था उसमें क्या बताया था कि जब भी ऐसा आए पैसेज आए तो पहले पैसेज पढ़ने मत बैठ जाइए, पहले आप ऊपर आइए अपने, आप जो भी क्वेश्चन दिया पैसेज का, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, पहली चीज दिमाग में रख लीजिए मेनी साइडेड पर्सनालिटी। उसके बाद पीटी नेहरू इंजॉयड, ये दिमाग में रखिए पीटी नेहरू इंजॉयड, ठीक है। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज आपको अपने दिमाग से बताना पड़ेगा, या फिर हो सकता है ये भी पूरा पैराग्राफ पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी फेमस इसी में से लिया गया होगा, फेमस उसकी सिनोनिम पूछ रहा है। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, यानी ट्रांसपेरेंट का पूछ रहा है, ठीक है, ये आपका दे दिया गया, इसे पूछ रहा है। तो आप अगर क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे उसके बाद आएंगे आप पैसेज पढ़ने, तो जो क्वेश्चन पढ़े रहे होंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें रिपीट होगा। चलिए अब पैसेज आते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। नेहरूज वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी, आप क्या है सेंटेंस लिखा है, नेहरूज वाज, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश में बहुत टैलेंटेड होंगे, बताइएगा कि ये नेहरू वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी होगा या फिर नेहरू वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी। आई गेस नेहरू वाज होना चाहिए, चलिए इवन दो, ठीक है। नेहरू वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड, देखिए एक चीज मिल गया, मेनी साइडेड यहाँ पे आ गया, देखिए क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे यहाँ पे देखिए आ गया कि नहीं आ गया, मेनी साइडेड पर्सनालिटी आ गया और यहाँ पे इंजॉयड भी आ गया, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, एक चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मींस क्या होना चाहिए, पीटी नेहरू इंजॉय, ओके। तो क्या था, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स, रेजिस्टिंग टर्मनी, डूइंग रेजिस्टिंग टैरनी और डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है, नेहरू वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स और रेसिस्टिंग टर्नी, मतलब कि जो दिया गया तो सब सब में सब है, यानी ऑल ऑफ दिस होगा। इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमंस वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, उनके अंदर साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट एक इक्वल इक्विलिब्रियम में, साम्य की अवस्था में बराबर बराबर थे। व्हाइल ही केप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, ही नेवर फॉरगॉट दैट वी शुड नरिश द टोटल मैन एज अ साइंटिस्ट। He refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as the blossoms of promise and renewal, the only hope of man. आई होप अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, स्टार्टिंग के ही इन पैराग्राफ में दो क्वेश्चन पूछा है, बाकी क्वेश्चन आपको बताना है कि हाँ क्या है चीज। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मींस, पहला अ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, बहुत जटिल जटिल मनुष्य शैली, तो जटिल नहीं थे नेहरू बाबा। अ सीक्रेटिव पर्सनालिटी, इसका भी बिल्कुल नहीं होगा। अ पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट, ऐसा इंसान या फिर ऐसी ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब कि
कई वैरायटी के इंटरेस्ट हो, कई वैरायटी में वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी, बिल्कुल बिना आंख देखे इसका आंसर सी हो जाएगा। पीटी नेहरू इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, बिल्कुल सही कहा गया है। फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, बिल्कुल सही कहा गया है। रेजिस्टिंग टायरनी, ये भी सही कहा गया है। ऑप्शन आपका लास्ट है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि ये तीनों उस पैराग्राफ में दिया था ऊपर के तीनों, यानी सब चार तीनों हो जाएगा। लिखा है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें से जो चार दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करता है? तो क्या हो जाएगा? पहला, ह्यूमनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस, मतलब कि जो मानवाधिकार है या फिर मानव का जो आचार संहिता है या फिर मानव जीवन है वो विज्ञान से सर्वोपरि है, उसको ज्यादा महत्व देंगे। दूसरा है साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबॉर्डिनेट टू इट, यानी कि साइंस साइंस को क्या दिया गया है? ज्यादा महत्व दिया गया है और जो ह्यूमन है उसके नीचे आता है। ये भी तो नहीं गलत चीज बात लिखा है। साइंस एंड ह्यूमन ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि ह्यूमनिज्म भी इंपॉर्टेंट है साइंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सही बात कही गई है। आपको भी समझना चाहिए कि अगर ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो साइंस रह के क्या करेगा, या फिर अगर साइंस रह के क्या करेगा जब, और ह्यूमन अगर रहेगा और साइंस का कोई लॉजिक ही ना हो, साइंस रहे ना तो दुनिया तो पृथ्वी पे जीवन ही संभव नहीं, ठीक है। तो लास्ट वाला देर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमन, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा भैया कि हाँ क्या कहा गया। तो ये ऑप्शन सी, ठीक है। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, तो देखिए फेमस का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। आपको पता है कि फेमस मतलब, फेमस हो पता होगा जो बंदा फेमस हो, या फिर बहुत ही हिंदी क्या होगा, प्रचलित जो भी हो, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए ऑफुल मीन्स क्या होता है? ऑफुल होता है भयंकर, तो फेमस होगा तो भयंकर तो जरूर जरूर थोड़ी है, तो भयंकर होगा तभी फेमस होगा, अच्छा भी हो सकता है ये ऑप्शन, बिल्कुल सिनोनिम्स वाला ये नहीं होगा। पुअर मतलब गरीब, स्टडी मतलब होता है कि नियमित डेली, और पॉपुलर मीन्स होता है आपका फेमस, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिना देखे बता देंगे आप, ठीक है। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है, ठीक है। विलोम शब्द है उल्टा इसका, तो ट्रांसपेरेंट मतलब जो दिख जगह आर पार दिख सके, ठीक है, साफ साफ दिख सके, या फिर आर पार दिख सके, साफ साफ नहीं आर पार दिख सके, ट्रांसपेरेंट। तो ऑब्वियस मतलब होता है हाजिर जरूर, जाहिर सी बात है कि हम लोग ये काम करें तो ऑब्वियस मीन्स जरूरी। लिम्पिड मतलब होता है आपका पारदर्शक, तो ट्रांसपेरेंट और पारदर्शक क्या हो गए? सिमिलर हो जाएंगे, ये उल्टा नहीं होगा, हमको उल्टा लिखना है। और क्लियर मतलब होता है साफ साफ, और ओपेक मीन्स होता है पारदर्शक, ठीक है। क्या होता है? पारदर्शक, जो कि सिनोनिम है ट्रांसपेरेंट का। दिए गए विकल्पों से सही संबंधित शब्द का चयन कीजिए, ये आपका शायद आई थिंक रीजनिंग वाला स्टार्ट हो, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए क्या होगा। पक्षी विज्ञानी, पक्षी नीव विज्ञानी, यानी ये तो बहुत हिंदी वाला बहुत गड़बड़ होगा भैया। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड को, बर्ड्स को जो स्टडी करते हैं, यानी कि बर्ड की जो स्टडी होती है फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है। और एनिमल के बारे में, सॉरी कहाँ गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो आपका बर्ड वाला हो गया, उसको क्या एंथ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे, और हाँ सही है ह्यूमन वाला, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी ऑप्शन सी, मैनकाइंड के बारे में ह्यूमनिस्ट, इसका ऑप्शन सी हो गया। 47 देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में से मेल नहीं खाता हो। तो आप बहुत इजी है ये सब चीज करना, दही मक्खन पनीर ये तीनों चीज एक दूध से बनते हैं, तेल भैया अलग है, तो बिल्कुल मेल नहीं खाता है, ठीक है।